दिल्ली में जो हिंसा चल रही है, अब तक कुल 7 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें। कल तक जो तस्वीर हमारे सामने थी उसमें एक पुलिस वाले समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। इन मरने वालों में हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के भी कई जवान बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, डीसीपी बुरी तरीके से घायल हैं। हमारे साथ सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस समय सीधे जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या अपडेट है? ये कल की हिंसा में जो लोग घायल थे उनके ये उनकी संख्या हम बता रहे हैं या दिल्ली में ताजा हिंसा की बात कर रहे हैं? देखिए श्रोता जी, बता दूं कि कल जिस तरीके से मोजपुर और उसके अलावा भजनपुरा के अंदर घटनाएं हुई उसके चलते 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी जो है जिनकी मौत हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं डीसीपी जो मुख्यालय है नॉर्थ ईस्ट का, और यहां पर अगर कहा जाए तो भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि कई इलाकों में जो सेंसिटिविटी बनी हुई है जिससे लोगों के अंदर पैनिक ना बने, उसको लेकर के यहाँ पर लगातार पुलिस के आला अधिकारी जो है वो बातचीत का दौर चल रहा है। हमारे साथ खुद ज्वाइंट सीपी हैं आलोक कुमार, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल करंट वहाँ पे। कई सारे सेंसिटिव पॉकेट्स में, लेकिन सब जगह फोर्स भी डिस्पैच की जा चुकी है, सब जगह फोर्स प्रेजेंट है और फ्लैग मार्च कर रही है, डिस्पर्स कर रही है। जहाँ जरूरत है फोर्स यूज कर रही है, जहाँ जरूरत है 3-4 लोग। अब तक कुल टोटल डेथ कितनी है? जैसे ज्वाइंट सीपी थे श्वेता जी, और जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कई जगहों पर अभी घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां पर भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है।